नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार के हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, कुरुक्षेत्र में फिर महाभारत। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में छिड़ी राजनीतिक महाभारत का मैदान फिर कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। 1 दिसंबर को अभय चौटाला जहां अधिकार रैली करने जा रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला 3 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में ही अनाज मंडी में रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन जय भगवान शर्मा डीडी करेंगे। इसके जरिए दुष्यंत चौटाला डीडी को ज्वाइन करवाएंगे। डीडी के नाम दुष्यंत की भावी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे माना जा रहा है। तो दोनों के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से ही होंगे, लिहाजा इनके मुकाबले दुष्यंत चौटाला की पार्टी का अध्यक्ष भी इसी धरती से बनाने की योजना है। इनमें जय भगवान डीडी शर्मा मुख्य नाम है। अशोक अरोड़ा की तरह वह भी सामान्य श्रेणी से हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने अजय चौटाला के साथ प्रदेश में पैदल यात्रा में हिस्सा लिया था। 10 दिन पहले दुष्यंत भी उनके निवास पर पहुंचे थे और पिता से दोस्ती का हवाला देते हुए अपने साथ खड़ा होने का आग्रह किया था। दुष्यंत की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के लिए दूसरा नाम अंबाला लोकसभा से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी कुसुम सेरवाल के पति अशोक सेरवाल का है। वह दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं और बसपा के प्रभारी भी रह चुके हैं। भविष्य में बसपा के साथ गठबंधन की दुष्यंत चौटाला की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए वे महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में ही हारे थे अभय चौटाला वर्ष 2004 में इनेलो।